अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव सोलॉजी बाई मिलर एंड हार्ले और उसमें से हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा कि ह्यूमन में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं हम उनको एम सी क्यूज़ के फॉर्म में पढ़ेंगे थाइमस इज़ लार्ज इन थाइमस बेसिकली एक ग्लैंड है लार्ज है ऑप्शन वन अडल्टू न्यू बॉर्न्स थ्री यंग वंस फोर इट इज़ सेम इन ऑल सो so, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है सा थाइमस एक्चुअली जो है वो लार्ज होता है न्यू बॉन्स में ऑप्शन नंबर टू इज़ करेक्ट हारमोन डेट इन्वॉल्व इन इन्लार्जमेंट ऑफ लेरिंगस ऑप्शन वन एस्ट्रोजन टू रिलेक्सन थ्री टेस्टोस्टिर फोर एफ एस एच अब कौन सा हारमोन जो है वो इन्वॉल्व है लेरिंग्स इन्ार्जमेंट में जिसकी वजह से आवाज़ जो होती है वो मेल में भारी हो जाती है तो इसमें बेसिकली हारमोन इन्वॉल्व है टेस्टोस्टिर ऑप्शन नंबर थ्री इज़ करेक्ट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाई डैश हारमोन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन कितने हारमोन से कंट्रोल किए जाते हैं फोर एट ट्वेल्वीन सो इट्स ऑप्शन नंबर वन फोर हारमोन्स कौन कौन से होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टर ऑक्सीडोसन एंड रिलैक्सन हारमोन इन्वॉल्व इन प्लेसेंट ऑफ फॉर्मेशन इज एस्ट्रन प्रोजेस्टरॉन एस्ट्रोडायोल ऑल ऑफ देम, जो हार्मोन प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो है प्रोजेस्टिर ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। इनिबन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस ब्रेन न्यूरोहाइपोफाइसिस अडीनो सो इनिबन जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द टेस्टिस ऑप्शन नंबर वन इज कुरेक्ट सर्विक्स इज डायलेटिड बाई एट द टाइम ऑफ बर्थ सर्विक्स के डाइलेशन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटोसन सॉफ्टन इन्हेबन रिलैक्सन तो बेसिकली सर्विक्स जो है वो डलाइट कैसे होती है सर्विक्स बेसिकली इसकी डाइलेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है रिलैक्सन ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट थाइमस इज़ इन्वॉल्व इन डवेलपमेंट ऑफ थाइमस किसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है एंडोक्राइन सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की सर्कुलेटरी सिस्टम की या इम्यून सिस्टम की तो बेसिकली जो थाइमस है वो इन्वॉल्व होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट पिंक्रियाज इज प्रेजेंट विद इन इंटेस्टाइन इंटीरियर टू स्टोमिक पोस्टीरियर टू ऑल ऑफ दम पेंक्रियाज इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू स्टोमिक ऑप्शन नंबर थ्री इज़ करेक्ट नंबर ऑफ पेंक्रियाटिक आईलेट्स प्रोड्यूस्ड बाई पेंक्रियाज पेंक्रियाज जो है वो कितने सेल प्रोड्यूस करता है थ्री लैक टू थर्टी लैक्स टू लैख टू ट्वेंटी लैक्स फोर लेख टू फोर्टी लैक्स नन ऑफ दम तो इट्स बेसिकली ऑप्शन नंबर टू एच आईलेट प्रोड्यूस्ड डैश टाइप्स ऑफ हारमोन्स पेंक्रियाटिक आईलेट्स की बात हो रही है तो ये प्रोड्यूस करते हैं कितनी तरह के हारमोन्स बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं फोर टाइप ऑफ हारमोन्स अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ सेल्स ग्लूकागोन इज प्रोड्यूस्ड बाई ग्लूकागोन कैसे प्रोड्यूस होता है पेंक्रियाज में विद द हेल्प ऑफ अल्फा सेल्स इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस्ड होती है इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जी बीटा सेल से डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस्ड डेल्टा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन इंसुलिन स्मैटोस्टैटन ग्लूकोज तो बेसिकली जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो स्मैटोस्टैटन प्रोड्यूस करते हैं ऑप्शन नंबर थ्री इज कोरेक्ट फंक्शन ऑफ स्मैटोस्टैटन इज प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स Stimulation of insulation and glucagon production. Option number three is inhibition of insulin and glucagon. Function of somatostatin is inhibition of insulin and glucagon. Smatostatin secretion is inhibited by D cells, E cells. F cells, none of them. Smatostatin secretion is inhibited by the only F cells. इंसुलिन स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन गाल ब्लैडर सीकम लीवर आल ऑफ दम इंसुलिन स्टोर करती है ग्लूकोज को इन लीवर थाइमसिक्रिएट्स थाइमोपाइटन अल्फाबीटा थैमोसन थायरक्सिन वन एंड टू बोथ थाइमस के हारमोन्स की बात हो रही है थाइमस क्लैंड का हमने पहले पढ़ा कि इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है तो थाइमस क्लैंड क्या सिक्रीट करता है दो तरह के हारमोन है थाइमोपाइटन अल्फा एंड बीटा थाइमसन सो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट लोकेशन ऑफ थाइमसिस नियर किडनी नियर हार्ट नियर इंटेस्टाइन नियर स्टमिक तो एक्चुअली लोकेशन क्या है थाइमस की नियर हार्ट ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट अड्रीनल मेडोला इज अंडर केमिकल कंट्रोल हारमोनल कंट्रोल न्यूरल कंट्रोल अड्रीनल मेडोला इज अंडर द न्यूरल कंट्रोल ऑप्शन नंबर थ्री इज़ कुरेक्ट फ्लाइट और फ्लाइट हारमोन इज एपीनफ्रीन नॉन एपीनफरीन अड्रीनाली आल थ्री तो फाइट और फ्लाइट हारमोनस इन तीनों को कहा जाता है आल थ्री इज़ कुरेक्ट हारमोन्स ऑफ अड्रीनल मेडोला फंक्शन विद parasympathetic nervous system sympathetic nervous system central nervous system endocrine system hormones of adrenal medulla functions with sympathetic nervous system adrenal glands rest on top of kidney back of kidney sides of kidney back of pancreas so actually adrenal medulla rests on top of kidney option number 1 is correct types of hormones secreted by adrenal cortex is यानी अड्रीनलोकॉटेक्स कौन से हार्मोन से क्रिएट करता है प्रोटीन है नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर में या फिर वो आर एन एस हैं या स्टीराइड्स हैं तो अड्रीनल कॉटक्स के हारमोन जो होते हैं वो स्टीराइड होते हैं ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट डिफेंस रिस्पॉन्स टू तो इन्फेक्शन इज शोन बाय इन्फेक्शन को डिफेंस रिस्पॉन्स कौन शो करता है ए सी टी एच कॉरटीसोल अड्रीनल नन ऑफ तेम सो इट्स ऑप्शन नंबर टू कॉर्टिस होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय कार्टिकोस्टिराइड कार्टिसोल एल्डोस्टिर ऑफ दम तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास होम्योस्ट्रेसिस मेंटेनेंस होती है वो कार्टिकोस्टीराइड है डायसक्रीट से सेक्स हारमोन्स अदर देन टेस्टिस एंड ओवरी स्लाइवरी क्लैंड थमस क्लैंडिया ऑप्शन नंबर फोर इज